हेलो एवरीवन, आज मैं फिर से आ गया हूँ एक आपका न्यू ब्लॉग लेके। इस पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ मैंने कैसे पेंट किया सूट पे, कैसे पेंट किया फैब्रिक कलर। तो यहाँ आप देख सकते हो, ये ब्लैक कलर का सूट मेरे पास ऑर्डर में आया हुआ था। मैंने उस पर वॉली आर्ट जो डिज़ाइन ड्रॉ किया, मैंने इस पर क्यों वॉली आर्ट डिज़ाइन ड्रॉ किया ये भी मैं आपको मतलब जो बताने वाला हूँ, मैं क्यों किया इस पर वॉली आर्ट, उसका पीछे कुछ रीज़न भी था मैंने क्यों इस पर चूज़ किया। देखिए एक देखिए, मैंने यहाँ पर फैब्रिक कलर यूज़ किया हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए लेग्स पे, देखिए यहाँ पर मैंने आपका जो 0 नंबर ब्रश यूज़ किया हूँ, और ये देखिए नियॉन कलर्स हैं जो मैंने यूज़ किया हूँ। देखिए अंदर में ये सारे नियॉन कलर्स हैं, नियॉन पिंक, नियॉन ग्रीन, नियॉन येलो। ये देखिए ये जो दुपट्टा, ये दुपट्टे पे आपको जो दिखाई दे रहा होगा, यहाँ कुछ लाइंस पहले से ड्रॉ किया गया था। देखिए जो जड़ी वाला लाइंस, तो इसीलिए देखिए मैंने ये जड़ी जो लाइंस था दुपट्टा में, तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये वॉली आर्ट डिज़ाइन ड्रॉ किया। क्योंकि देखिए ये देखिए वॉली आर्ट में हमेशा आपको मेजरमेंट का जरूरी होता है, ट्राइंगल। तो मैंने देखिए यहाँ पर ये जो डिज़ाइन था जरी का डिज़ाइन, इस पर मैंने देखिए ये ट्राइंगुलर बॉक्स बना, जो मेरे लिए ईजी हो गया। आपका पास भी अगर इस टाइप का दुपट्टा या फिर सूट इस टाइप का आए जरी वाला, तो आप इस टाइप का ड्राॅइंग कीजिए जो काफ़ी ईजी होता है मेजरमेंट के लिए। इसलिए देखिए मैंने पूरा दुपट्टा पे उस टाइप का वॉली आर्ट मैंने किया, तो ये आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है आपका पॉइंट। देखिए इसका ऑल ओवर वर्क आपको वैसे ही मिलेंगे, आपका नेक्स्ट साइड में भी उतना, अपोजिट साइड में उतने ही आपको जो मिलेंगे देखने के लिए। ये काफ़ी इजी होता है वॉल आर्ट, आपसे कोई मिस्टेक्स नहीं होता है। देखिए एक और देखिए सूट पे मैंने किया हूँ, यहाँ पर देखिए राजस्थानी जो ह्यूमन फिगर, देखिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी देखिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हूँ। ये भी काफ़ी इजी है। पहले तो मैंने यहाँ पर ट्रेस कर लिया था ड्राइंग को। अगर आपको ड्राइंग नहीं आता है तो आप इसको पहले मतलब ट्रेसिंग पेपर से पहले आप ट्रेस कर सकते हो ड्राइंग को, तो ट्रेस करके फिर आप इसके ऊपर पेंसिल से आउटलाइन कर सकते हो। देखिए अगर आपको ड्राइंग नहीं आता हो तो आप कोई भी जो डिज़ाइन वगैरह जो है जहाँ से आपको देख के ड्रॉ करना है, वो आप नीचे रख के ऊपर पेंसिल से आप आउटलाइन कर सकते हो, या फिर आप ट्रेस भी कर सकते हो। देखिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हूँ राजस्थानी फिगर। और आप जब भी फेबी कलर करते हो, मेक श्योर आप ज़्यादा पानी का इस्तेमाल मत कीजिए, नहीं कलर फैल सकता है। ये देखिए ये कपड़ा थोड़ा सिल्क कपड़ा है, तो यहाँ पर देखिए मैंने फेबी कलर यूज़ किया हूँ, पर ज़्यादा वाटर मैंने यहाँ यूज़ नहीं किया हूँ। आप चाहे तो कुछ और टाइप के भी डिज़ाइन आप ड्रॉ कर सकते हो ह्यूमन फिगर, लेकिन ज़रूरी नहीं है जो कि आपको यही डिज़ाइन ड्रॉ करना है। आपको जो कंफर्टेबल लगे, जो इजी लगे, वही आपको जो दिख रहा है। देखो मैंने साइड पे देखिए जो ब्रांचेस मैंने किया हूँ, ये ब्रांचेस भी देखिए मैंने हाफ ड्रॉ किया हूँ। इसलिए मैं हाफ ड्रॉ किया हूँ ये देखिए, क्योंकि यहाँ से आपका बॉर्डर लाइन है, इतना पोर्शन आपका देखिए स्टिचिंग में आ जाएंगे, इसलिए मैंने वहाँ ड्रॉ नहीं किया। और ऊपर में भी आप देख सकते हैं, देखिए वहाँ जो स्टिचिंग मार्क, देखिए वहाँ तक, ये आपका देखिए वहाँ तक मैंने किया हूँ, क्योंकि ये आपका फिर टॉप पोर्शन आ जा रहा है, इसलिए मैं वहाँ से नहीं किया हूँ ड्रॉ। देखिए नीचे में भी देखिए मैंने स्पेस छोड़ दिया हूँ, क्योंकि वहाँ से स्टिचिंग होगा या का फोल्ड हो जाएगा वहाँ से। और इसी इसी जो जो पैटर्न है, देखिए इसी पैटर्न में देखिए मैंने यहाँ पर किया हूँ, देखिए जो दुपट्टा में इंस्ट्रूमेंट मैंने ड्रॉ किया हूँ। ये काफ़ी इजी होता है, आपको अगर ड्राइंग नहीं भी आता है आप ट्रेस कर सकते हो इस टाइप का ड्राइंग को। अगर आपको ये पेंटिंग, ये डिज़ाइन अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर माय चैनल। और जस्ट प्लीज़ सब्सक्राइब इट। आपको अगर अच्छा लगे ज़रूर कमेंट कीजिए। मैंने ये पेंटिंग जो ड्रॉ करते हुए मैंने नहीं ले पाया, क्योंकि मेरे पास वो स्टैंड कैमरा वगैरह नहीं था, इसलिए मैं नहीं कर पाया। तो आपको मैं वैसी ओरली में बता रहा हूँ, आप कोई भी टाइप डिज़ाइन कर सकते हो दुपट्टा में, आपका सूट्स में, पर उसका जो फैब्रिक जो है सूट्स का, उसका अकॉर्डिंग आप अपना जो डिज़ाइन वगैरह ड्रॉ कीजिए। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।